टाइम बचा है 3.5 मिनट। अभी क्या लगता है हो पाएगा नहीं हो पाएगा? मुझे नहीं लगता, मुझे लग रहा है ड्रॉ हो जाए शायद। टाइम कितना है? टाइमर दिखा, यहाँ से चलो फिर। चलो 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 चलो। पैकेट कहाँ लटके हुए देखे? तेरह सेकंड और ये इतनी सारी चीजें उठ रही है, जल्दी कहा। अगर आप भी फूडी हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और घंटे को दबाना मत भूलना। हेलो फूडीज, फूडी वी वेबसाइट हमेशा की तरह लेके आ गए कुछ नोका कुछ अद्भुत कुछ अविश्वसनीय। आपने हमारी 60 मिनट फूड चैलेंज वाली वीडियो को दिया खूब सारा प्यार, तो आज हमने सोचा कि आपके लिए फिर से एक बारी लेके आया जाए 60 मिनट फूड चैलेंज। की सबसे बढ़िया बात ये होती है ना, एक्साइटमेंट बड़ी बड़ी रहती है, समझ ही नहीं आता कौन जीत रहा है कौन हार रहा है और एंड तक बिल्कुल सस्पेंस बना रहता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि इसके रूल्स क्या है। तो बेसिकली हम करेंगे चिट सिस्टम। जिस बंदे को चिट में जौन सा कलर निकलेगा उस कलर का फूड उसे खाना है, और 60 मिनट में जो सबसे ज्यादा फूड आइटम्स खाएगा वो होगा विनर। तुमने समझा दिया चिट सिस्टम क्या है। मैं तो नहीं तो चिट सिस्टम अपना स्कूल वाला समझ रहा था, जब पेपरों में हम चिट निकालते थे वो वाली चिट था। मतलब ये कि दो पर्चियां हैं इसमें खतरनाक और एक है कुछ ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल वाली खतरनाक। किस्मत खराब वाला इंसान तो रंगों के मामले में मैं ही करते हैं। एक पर्ची सिलेक्ट करते हैं, मेरी पर्ची पिंक, मेरा ये येलो 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 डर्टी फेलो, मतलब मेरा मुश्किल है बहुत ज्यादा है। ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल किस्मत ने ठीक पर्ची दी है तुझे। तो जी सब कुछ रेडी है, कपड़े वगैरह हमने चेंज कर लिया, मेरा पिंक करो, मैंने पिंक डाल दिया, मुक्ति का येलो। तो ये और ये ने ना इंसाफी की है, इसने ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं पहना? मैं गोविंदा थोड़ी ना हूँ, ना मैं अक्षय कुमार हूँ कि जाली वाली बनियान पहन के आया। प्लास्टिक से अपने आपको लपेट के आना चाहिए था। कमेंट कर दो आदित्य वेरी बैड, आदित्य चीटर। इतनी दिमाग में चीटर बना दिया। ऐसा करते पकाटा करते, जो सबसे पहले बाहर निकला उसकी सबसे पहले बारी, मतलब उसको सबसे पहले अपने कलर वाला फूड खाना पड़ेगा। 1 2 3 ओंकार भाई साहब। तो ओंकार भाई हमारा टाइमर शुरू होता है अब। गेम में ना एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए स्ट्रेटजी। तो मैंने स्ट्रेटजी बना ली हुई है। स्ट्रेटजी? हाँ स्ट्रेटजी। तो अभी देखते हैं मेरी स्ट्रेटजी काम करती है या नहीं। पहले तो मुझे क्यूरियोसिटी है, तुम सबसे पहली पिंक चीज क्या खाओगे? तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? मेरे दिमाग में चल रहा है पिंकी पिंकी पॉकी, आई एम नॉट ए डोंकी। गेम में जो स्ट्रेटजी है ना मेरी, सबसे पहले मैंने कर देना सामान ऑर्डर, क्योंकि ऑर्डर बनने में टाइम लगता है, तो उसके बाद ढूंढेंगे पिंक कलर में क्या मिलता है। कैसे मैं बता रही हूँ पिंक कलर में इसको कुछ नहीं मिलने वाला। पिंक पीली पीली वाला पास्ता है जो, उसका पिंक कलर होता है? पिंक नहीं होता, पिंक सॉस पास्ता का कलर ही पिंक नहीं है। ये वाला डोनट कर देना, इसके अंदर कलर थोड़े बहुत और भी हैं बट मेजॉरिटी कलर पिंक है। और शर्मानी जी अभी 7:30 मिनट हो चुके हैं ओंकार, अब तक तुम्हारी सिर्फ एक ही चीज हुई है 7 मिनट में एक डिश। पर एक चीज है, स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा स्वाद हो गई। स्ट्रैटेजी तुम्हारी ना सही नहीं बैठ रही है, मैं बता रही स्ट्रैटेजी। दूसरी चीज भी, ये पूरी पिंक है, ये पिंक है। 9 मिनट कोई बात नहीं, आराम से लग रहा, बहुत टाइम है, बहुत स्ट्रॉबेरी चाहिए थी। स्ट्रॉबेरी क्या जरूरत है, दो चीजें कंप्लीट। जो मर्जी हो, स्टार्टिंग बहुत ज्यादा स्वादिष्ट हुई है, जबरदस्त नहीं हुई स्वादिष्ट हुई है। और ओंकार भाई नेक्स्ट डेस्टिनेशन, नेक्स्ट डेस्टिनेशन तो ठीक है, तेरी वजह से लेट हो रहा, गाड़ी में बैठने में इतना टाइम लगा दिया हुआ, मेरी स्ट्रेटजी फेल हो रही है यहाँ पे भाई। 11 मिनट होने वाले हैं, दो चीजें खाई है, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। मुझे ये नहीं पता था कि दुकानों में बनने वाली चीज जो चीज कुक होती है उसमें पिंक कलर की चीजें नहीं आती, तो अब मुझे दुकान पे जाके ढूंढनी पड़ेगी। भाई साहब मेरी ना डेडिकेशन चेक करो, सैनिटाइजर भी जो है ना वो निकल गया, पिंक कलर का यूज कर रहा हूँ, पिंक अंदर से पिंक नहीं होती वो। मैं तो चाहती हूँ हरे पिंक, क्या था भाई कितना महंगा है ये, छोड़ो परे क्या रखा है इसमें। जब किस्मत हो चुड्डू क्या करेगा, बॉर्नविटा वाला दुद्धू, इसलिए हम पी रहे स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक वाला दुद्धू। ये पकड़ ले यार मुक्ति, लेके भागियो मत बस। 23 मिनट होने वाले होंगे, 23 मिनट पहले इसका कलर टेस्ट करो, कौन सा कलर का पिंक है, पिंक है, पिंक पास। है। तो खाने वाली चीज खा ले, ये है अपनी गुआवा की गोलियां, पैकिंग देख रहे हो भाई साहब, बहुत अच्छी है, चेक कर लो भाई, पूरा कंफर्म कर लो। मोको मोको एक ऐसी चीज है, आपको इसमें कोई भी कलर मिल जाएगा। जल्दी 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 24 मिनट में सिर्फ 1 2 3 4 5 चीजें। मोको मोको मुझे ऐसा लग रहा है मीठी लग गई नहीं,
पहले इतना मीठा हो गया ना, और नीरो ये बहुत मीठी होती है। कार ने सारी मीठी चीजें खाई है, मतलब पिंक में सब मीठा होता है। भाई साहब मैं पहले जिस दुकान पे गया था ना, वहाँ पे पिंक कलर में वैरायटी थोड़ी कम थी, तो एक और ट्राई मारता है दुकान में। फाइनली जा के कुछ थोड़ी बहुत चीजें लग रहा है मुझे, इसमें से पिंक कलर निकल जाएगा। ये सरप्राइज होने वाला है, ये पिंक निकलता है या नहीं निकलता है। और इस प्रोडक्ट का नाम है बाउंस, तो ये बाउंस करेगा कि नहीं करेगा। क्या है ये, क्या कलर है, क्या है ये, ये थोड़ा संतरी से हाँ ऑरेंज है। पिंक कलर की बात हुई है तो पिंक कलर खाया जाएगा। यार तुम पूरा खा लो यार, मैं तुम्हें नंबर देता हूँ। नंबर दे देंगे, ये दिल पे ले गया। दिल पे ले गया। तो छह चीजें हो चुकी है, अब बारी आ गई है सातवीं चीज। हेल्दी चीज ओंकार ने खरीद लिया है, ये ग्रीक योगर्ट। पर ओंकार भाई 34 मिनट भाई, मुझे लगा पिंक होता है, मुझे भी लगा पिंक होता है, बट कोई नहीं, जब किस्मत हो खराब तो क्या करेगा नवाब। हेल्दी चीज मेरी किस्मत में नहीं लिखी। सही बात है। ये पिंक होती है बबूल, बिग बबूल, ये पिंक होगी ना पक्का। बचपन में तो पिंक होती थी, अब कलर चेंज हुआ तो पता नहीं। चलो भाई सात चीजें हो चुकी हैं ओंकार, 35 मिनट। मुझे लगता है ना जेम्स में पिंक कलर होता है। मुझे भी नहीं लगता, इसमें तो बना हुआ है। इसमें तो फिर तो होगा। हे भगवान, अरे यार इसमें निकल गया। अब इसमें पिंक कौन सा, ये पिंक है, ये पिंक है, ये तो पर्पल है, ये पर्पल है, ये पिंक। दोनों खा लो फिटूस हो जाएगा। तो ओंकार की हो चुकी है 8 चीजें। ओंकार ने तेजी पकड़ी है जब से इसने ग्रोसरी स्टोर में जाना शुरू किया है। अब ना मेरे पास ऑप्शंस थोड़ी सी कम रह गई है, एक बार मैं ट्राई करना चाहता हूँ वो जो पिंक सॉस पास्ता है वो कौन से कलर का होता है। क्या आप पिंक थोड़ा बहुत ऑर्डर करके आऊँ? मैं ऑर्डर करके आता हूँ, मैं भैया को बोलूंगा उसमें ना रेड सॉस डाल देना दबा के। क्या लग रहा है, ये पिंक हो सकता ना, जितना ऊपर ये व्हाइट व्हाइट कर दिया हुआ है ना उससे वो पिंक ही चला गया। मजा आ गया, पर इतना मीठा हो चुका हुआ है ना, बेशक पिंक नहीं है, खा रहा हूँ मैं, पॉइंट बेशक ना दो। इतना चीज डाला है उन्होंने पास्ता में, मुझे लग रहा फूडी भी देख कर डाला है, वैसे इतना चीज नहीं डाल के देते। तो अगर बाई चांस कभी आप मेन्यू में देख लो पिंक सॉस पास्ता, और उसके बाद आपको ये टाइप की चीज मिलेगी। मतलब पिंक मतलब नॉट पिंक, ये ना हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और वो वाली चीज है। तो भाई साहब 50 मिनट हो चुके हैं और ओंकार ना आइसक्रीम वाले भैया पे आया, और मैं गारंटी दे रहा हूँ स्ट्रॉबेरी वाली आइसक्रीम लेने आया हुआ है। कितने रुपए की है स्ट्रॉबेरी वाली आइसक्रीम? 20 रुपए। मैं 40 दूंगा, इसको मत दो। मैं खाना ही पिंक है, मैंने खाना ही पिंक है, व्हाइट मैंने खाना ही नहीं। मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ कि इसको चीजें मिली जा रही है कुछ ना कुछ पिंक कलर की। डब्बा संभाल के रख ले कि राज स्पिरिट है। अब मैं प्लास्टिक खाने लगू मतलब। भैया अमरूद कैसे दिए? 80 रुपए किलो सर। वो गुलाबी वाले हैं? गुलाबी व्हाइट वाला सर। इंजेक्शन मार दो इसमें भैया गुलाबी रंग का। ये ओंकार ना केमिस्ट के जा रहा है, और मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों जा रहा है। भाई साहब 52 मिनट हो चुके हैं, और मुझे ये नहीं पता था ओंकार इस लेवल तक आ जाएगा कि वो केमिस्ट की दुकान से दवाइयाँ खरीदने लगेगा। एक्चुअली बेस होता है तो आपके गैस में एसिडिटी हो जाती है, तो ये उसे न्यूट्रल कर देता है। ओके, तो मतलब कि जो मैं दवाई ले रहा हूँ वो सेफ है, इतनी लेनी बस। तो तुम्हारी हो चुकी है 11 चीजें। 11 यार, तू दफा हो जा, इस बंदे को दूर करो, इसको खुद को नहीं पता। कैसे आते थे 10 चीजें हो गई, और टाइम अभी भी मेरे पास है, पर ऑप्शंस की कमी हो चुकी है। तो भाई साहब मेरी हो चुकी है बस, बहुत ज्यादा मीठा खा लिया हुआ है, इसके बाद खाने की ऑप्शंस भी नहीं थी और टाइम भी मेरा खत्म हो गया। ऑलमोस्ट सारी चीजें पिंक कलर में तुम खा चुके हो। इसके अलावा रोजा वाला दूध पी सकता था जो कि, पर वो घर जाके बनाना पड़ता। अब मुक्ति और मैं करेंगे पेपर सीजर स्टोन, पेपर सीजर स्टोन, रॉक पेपर सीजर, रॉक पेपर सीजर। क्या हुआ यार, मैं हार गया, तोड़ दिया। तो मतलब तो तेरी बारी आ गई। अरे मेरी बारी है, तेरी बारी है, मैं डिसाइड करूंगी ना किसकी बारी में जीतती हूं। मुक्ति का टाइमर हो चुका है स्टार्ट, और इसको लिपस्टिक लगानी याद आ गई। मुक्ति मैडम जी क्या हो गया, येलो कलर की लिपस्टिक क्यों नहीं लगा रही? इतनी कॉन्फिडेंट है तू अपने बारे में? मैंने जीत रही है भाई साहब, मैंने ऐसे ऐसे चीजें सोच रखी है ना। बक गाड़ी मत मारियो कहीं पे मोहतरमा। 4 मिनट होने को है और मुक्ति ने अभी तक एक चीज खाई क्या? दुकान में घुसी भी नहीं है। दांत दिखाइयो, तेरे दांत पीले खा ले। पहली चीज जो मैं खाने वाली हूँ ना वो है आदित्य गौतम की फेवरेट, तो मुझे खिला देना। फ्राइज खा रही होगी मैं बता रहा हूँ पहले। फ्राइज को लगेगा थोड़ा सा टाइम, तो मैंने सोचा जो भी येलो कलर की चीज मिलती है ना मैं फटाफट खरीद। यार ये ना ओंकार तुम तो हार गए, इसने पहले 5 मिनट में ही 3 चीजें खरीद भी ली। येलो, अगर तो ये हल्दी वाले पॉपकॉर्न है तो येलो। एक ना भगवान ने बहुत अच्छी चीज बनाई जिसको हम बोलते हैं हल्दी। किसी भी चीज में हल्दी डाल दो पीली हो जाएगी। इसको अच्छी चीज लगती है क्योंकि इसका पीला रंग है। वैसे कौन चीज येलो है? ये डस्टबिन खा ले।
हाय हाय। आ रहा है मुझे ओंकार पे तरस, ओंकार डू नॉट क्राई, आई एम हैविंग फ्राई। वाह 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 वाह, क्या बोला इसने? जो भी बोला, इस टाइप बोल सकते हैं क्योंकि ये तेज है। देख लो येलो कलर। तीसरी चीज होगी मुक्ति के। मुक्ति सच में तू बहुत तेज है। वो गर्म कितने है? अभी चलो, अभी तो बहुत चीजें बची हैं। मुक्ति ने लीड तो ले लिया बहुत बढ़िया, बट 15-16 मिनट हो चुके हैं और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मुक्ति ना स्लो हो चुकी है थोड़ी सी। अब ये जा रही है ग्रोसरी स्टोर में, देखते क्या सारी चीजें मिल जाएंगी। भाई साहब जितना नीला आसमान है ना उतना पीला ये इनका आइल है। ये तो भाई साहब ये मंडी है पीली चीजों की। ये तो डिसाइड करेगी कौन सी चीज ना लूं। मैं सोच चुका मैंने सब कुछ लेना है येलो येलो, ओंकार अभी हार जाएगा तो। पर नहीं, हरा दे यार हरा दे। मैं ईमानदारी से खेलूंगी। ईमानदारी से? ईमानदारी से तो तेरे को सब उठा लेना चाहिए पागल। इतनी गर्मी में पसीने से हो गया हूँ मैं गीला और मुक्ति बहुत सारी चीजें लाई है जिसका रंग है पीला। आज मैं ऐसी चीज खाने वाली हूँ जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, मस्टर्ड सॉस। आए हाय इतनी गंदी लगती है ना मुझे मस्टर्ड सॉस। मैंने कभी सब्वे में नहीं डलवाई अपने मस्टर्ड। चार आइटमें हो चुकी है मुक्ति की और पूरा थैला भर के लाई हुई है। आइटम नंबर 5 मुक्ति, इसमें कीड़े पड़ गए पागल। दिस इज बेसिल सीड मैंगो फ्लेवर। आज मुझे आम बचाएगा भाई साहब, मैं बता रही हूँ। आम बचाएगा? ओ, तो आम भी खा सकती है फ्रूट। मैं मैंगो शेक पीऊंगी। मैं क्या बता रही हूँ, मैंने क्या स्ट्रेटजी पहले से बनी हुई है भाई। ये ना महंगी जो ड्रिंक होती है ना ये फालतू की ड्रामेबाजी कर रखी होती है, ये स्वाद सूद नहीं होती है। अपना देसी वो 40 रुपए वाला मैंगो शेक हमेशा बेटर रहे। आइटम नंबर 6 आइसक्रीम, ये भी मैंगो फ्लेवर। आम बचाएगा मुझे, आम बचाएगा। भाई साहब 24 मिनट में मुक्ति 6 चीजें खा चुकी है और ओंकार की बनी है टोटल 10 चीजें। तो मुक्ति 11 नंबर पे तो जल्दी पहुंच जाएगी मुझे लग रहा है। मैं तो उड़ती हुई जा रही हूं, मैं बता रही हूं। मैं बोला तेरे से जाता नहीं। तू को खोल रहा कर रहे थे उसको, टाइम लगा रहे थे। ओंकार खुश हो रहा है, कह रहा इससे खुले ही ना ये ओंकार। 36 मिनट फिर भी नहीं लगेंगे खुलने में। खुल गया खुल गया। ला 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 ला, चमचा तो लाई नहीं साथ में। तू इसके अंदर देख गोली डाल रखे, तू इसके अंदर जेली भी डाल रखी है। भाई साहब मुक्ति ने तो मैंगो की झड़ी लगा दी है। मैंगो आइसक्रीम, मैंगो ड्रिंक, कभी करी मैंगो शेक भी पीना है। ये ना अपॉर्चुनिटी देखती है गर्मियों में मैंगो खाने की। ये देखो अगली चीज। आए हाय, तू कच्ची खाएगी ये? कच्ची खा लेंगे मैडम। पीली शिमला मिर्च लेके आई है, शिमला मिर्च, और ये नजायज महंगी होगी। इतना खर्चा कराती है ना लड़की हमारे फूडी भी में। जीतने के लिए कुछ भी। मुझे लगता है ना मुक्ति ने ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से लिया कि बॉडी में फाइबर इनटेक बढ़ जाए। कैसा लग रहा है? अच्छी लग रही है, घंटा बढ़िया है। घंटा बढ़िया है, झूठ बोल रही है, शक्ल से पता लग रहा है बेकार है। देखो मुक्ति, जेम्स के अंदर सिर्फ एक येलो कलर की, ये एक येलो कलर की जेम्स थी। लगा गया टाइम वेस्ट कर, लड़ बेसा लड़ 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 अभी। ओंकार इज गेटिंग जेलस, मुक्ति जीत रही है। अरे यार कैसा सा इंसान है, ध्यान से देखिए इस चेहरे को, सिर्फ एक ही नहीं, इसने अपनी फोंसे को हराने की साजिश रची। बिल्कुल रची नहीं, रच रहा है। ईस्ट और वेस्ट लेडी ड्राइवर इज द बेस्ट, मतलब गाड़ी चलाते चलाते इसने 7 मिनट कैसे निकाल दिए हुए पता ही नहीं चला, मतलब ऐसी बेस्ट। तो मेरी बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं नहीं, सबसे ज्यादा सेफ गाड़ियां लेडी ड्राइवर चलाती है। ऐसी जाना हमने, जल्दी नहीं करनी है, स्लो स्लो जाना है। ओंकार ना शॉक में जाने वाला है। ओंकार शायद एक चीज सोचे, मैं ऐसी ऐसी चीजें बोलूंगी ना तुम अभी हार जाओगे। अच्छा अगर मेरा येलो कलर होता ना मैं 500 चीजें खा लेता। बोलने में क्या जा रहा है, 500 कितना टाइम लगेगा भैया? सोच रही थी मैं ये ऑर्डर कर दूंगी, मैं वो ऑर्डर कर दूंगी। बेटा जी तुम्हारी इस टाइम तुझे कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ एक चीज हो रही है इसकी प्लानिंग थी, 4-5 चीजें ऑर्डर कर देगी, चक्का नहीं हुआ चक्का। भाई साहब मुझे एक और चीज याद आ गई, मैगी। मैगी मैं कैसे भूल सकती हूँ? मैं तो सोच रहा था इसको कुछ नहीं मिलेगा, ये तो बहुत ही तेज है, बहुत ही तेज है मैडम। मुक्ति की जो स्ट्रेटजी है ना मुझे पक्की उम्मीद है कि फेल हो जाएगी, क्योंकि मुक्ति तूने ना 41 मिनट पे जाके ऑर्डर प्लेस किया है और ये चीजों को बनने में लगता है टाइम, और अगर टाइम लग रहा है तो तुम हार सकते हो। तो मुक्ति की कितनी चीजें हो चुकी है अभी तक? 7। तो मुक्ति को 4 और करवानी है, तो अभी कितनी ऑर्डर करी है? 3। मैं फिर भी जीत जाऊंगी, ठीक है, पीले दांत खा ले। थैंक यू भैया। हो चुके मेरी 8 चीजें। ओंकार तुम हार चुके हो, हार चुके हो, फ्यूचर में देख रहा हूँ मैं बन गया हूँ क्रिश। वैसे मुक्ति मैं हमेशा तेरे से हारते ही रहता हूँ, तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेडीज जीतती जीतती है। ओंकार अकेले में गाना गाता है, अब तो आदत सी है मुझको हारने में। बेटा जी कोई बात नहीं, इसी से हार रहा हूँ,
तुम तो अभी पड़े हो। मैं नो कमेंट। एज आई वाज सेइंग मुक्ति की जो स्ट्रेटजी है ना वो फेल है। फेल स्ट्रेटजी। फेल लड़की है तू। मैं मैगी मंगवाई थी। हां ओए होए होए ये क्या है? ये मुझे नहीं पता क्या है पर ये आइटम नंबर ये येलो कलर है। ये ब्राउन कलर है। शट अप येलो कलर है यार। ये येलो ब्राउन है। मेरे सूट से मैच हो रहा है ये। ब्राउन है यार। अरे यार पहले ये तो आइटम नंबर कौन सी है मेरी? आइटम नंबर 9। ये ब्राउन है। चलो फिर अगर ये तो येलो है ना। मैंने भैया को तभी बोला था मैं कि भैया कौन दबा के डाल देना। कितनी चालाक लड़की है यार। कमेंट में तो होना चाहिए मुक्ति चीटर, आदित्य भी चीटर, ये भी चीटर, मेरे को चीटर। तूने ट्रांसपेरेंट कपड़े नहीं पहने। मैं नंगा हो गया आज। जब तक मैगी आ रही है ना मैगी का वेट मत कर, कुछ एक पीली चीज खा ले, मैच ड्रॉ कर दे। तू यहां पे अपनी बहन की साइड है या इंडिपेंडेंटली खेल रहा है? आया बड़ा यहां पे एडवाइस कर दे। बात सही है। मेरे को तुमने चीटर बोला था ना। मैगी को मैं कर रही हूं कुर्बान। तू काम भाग रही है। उसके पैसे दे दिए अपने दुकान वाले के। अभी जानते हैं जानते बाद में देंगे। जानते नहीं वो पुलिस बुला लेगा। आंटी पुलिस बुला लेगी। आंटी पुलिस बुला रही। अंकल पुलिस बुला लेगा। मुक्ति की हरकतें पता लग रही है। दुकान वालों को पैसे नहीं देती। हां चलाक के चलती है ये। कभी भी नहीं। कभी भी नहीं। कभी भी नहीं देती। कभी भी नहीं देती। मतलब ऐसे भी कभी भी करती मैं किसको पैसा। तू तो मैगी को छोड़ के आ गई है। और टाइम 55 मिनट हो गए। तूने मैगी को छोड़ तो दिया। अब कौन सी दुकानों के सपने ले जा रही है मुक्ति? आइडिया मेरे पास है अपने। टाइम बचा है 3:30। अभी क्या लगता है हो पाएगा नहीं हो पाएगा? मुझे नहीं लगता। मुझे लग रहा है ड्रॉ हो जाए शायद। टाइम कितना? टाइमर दिखा। यहाँ से चलो चलो चलो। अरे चिप्स के पैकेट काले क्यों देखे? ओह शिट यार। फटाफट से मेरे को ये वाली मिठाई टेस्ट कराना। 13 सेकंड। और ये इतनी सारी चीजें उठे रही है जल्दी कहाँ? क्या चीज है उसी? तो भाई पहले ये मिठाई 7 ड्रॉ हो गया। ये है लड्डू। पकड़ ये पकड़ पकड़ पकड़। ये चीज ना वैलिड डेज से पैसे नहीं दिए दुकान वालों के। तो मैं भी दे देती पैसे। खरीद के नहीं खरीदे। ना मैंने उधर पैसे दिए ना मैंने इधर पैसे दिए। बोलते हो बंदे बेकार हैं। तो आदि भाई तेरे टाइम को करते हैं हम स्टार्ट। और तेरी क्या एक्सपेक्टेशन है? मेरी जो स्ट्रेटजी है ना स्ट्रेटजी तो वो कोई स्ट्रेटजी है ही नहीं क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी बनी नहीं पाई है। तेरी स्ट्रेटजी है जो भी कुछ ट्रांसपेरेंट दिख रहा है उस पे बू मार लो। सबसे पहले ऊपर प्लास्टिक है बू मार लो उस पे भी। एक चीज गाड़ी में है हमारी। गाड़ी में मुक्ति पानी लाओ। तुमने क्या सोचा मैं हार जाऊंगा? पर खरीद के पियो ना यार। ये तो गलत बात है। खरीदने की गेम नहीं है। मैं हूँ शिवाजी द बॉस। बॉस तुमने तो 3-3 मिनट तक नहीं खाई थी पहली चीज। मैंने तो 42-52 सेकंड में खा ली जो भी बोलते हैं। अब अगली चीज दिखाता हूँ मैं। ऐसी ऐसी ट्रांसपेरेंट चीजें खाऊंगा ना कि आप लोग कहेंगे क्या बात है क्या बात है क्या बात है। तो पहली चीज तो बहुत ज्यादा जल्दी खा ली थी बट 10 मिनट हो चुके हुए अभी तक इधर दूसरी चीज पता। बारिश शुरू हो गई भाई बारिश। तो पहली चीज वैसी ही तुझे पानी पी लिया मुंह खोल के ऐसे रखता अपने मान लेता एक पॉइंट तेरा। अभी 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 ये प्लास्टिक का डब्बा खा ले ऊपर से ट्रांसपेरेंट है। अभी इसका पैकेट खा ले। भगवान तुम्हें ना खा जाऊं मैं गुस्से में। अराउंड 18 मिनट हो चुके हुए हैं। इसने कुछ चीजें तो ढूंढ ली हुई है बट फिर भी काफी ज्यादा पीछे और हार नहीं मान रहा। मैं हार नहीं मानने के इसको 100 नंबर दूंगा। जैसे मैंने ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि पूरा फैला भर के निकलेगा बाहर। मैं बिना स्ट्रेटजी के इन दोनों को हरा के मैं बताता हूँ कैसे हराते हैं लोगों को। पहली गंदी चीजें पी लो जिसका मुझे स्वाद का कोई आइडिया नहीं है। इसमें है अच्छी गुणवत्ता वाला केवड़ा। हेल्दी चीजें खाता हूँ मैं। टेस्ट करके देखो। मेरा थोड़ी है ट्रांसपेरेंट। इतनी शक्ल गंदी है। शुरू शुरू में ना रोज जैसा फ्लेवर आया और उसके बाद एकदम गंदा हो गया। तेरे 25 मिनट हो चुके हुए ऑलमोस्ट। शांति। पेशेंस इज द वर्च्यू ऑफ सक्सेस। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ये कछुए की चाल चल रहा है। अगली चीज है हमारी जिंजर एल। आदि भाई मैं सच्ची बोलूं ये ट्रांसपेरेंट में है नहीं। मेरी उंगली दिख रही है पीछे से। उसको ट्रांसलूसेंट बोलेंगे। ये थोड़ा सा येलो टेंट पे है। अब तुम हार रहे हो ना इसलिए तुम्हारी। नहीं नहीं जब मैंने तुमसे अंदर कमेंट सेक्शन में पूछो देखो अब चेक करो क्या ये ट्रांसपेरेंट है ये ट्रांसलूसेंट है। और कमेंट सेक्शन में आने वाला आदित्य चीटर। आहा स्वाद लगती है जिंजर। बोरे के अंदर से एक और बुरा। गर्मी बहुत है। गर्मी बहुत गर्मी एक्चुअली ज्यादा हो रही है। वो ना मुंह पे क्या करती है मुक्ति रात को तू सोते हुए आइसिंग करती है ना। मैंने सोचा मैं दिन में कर लेता हूँ। पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है ना बहुत ज्यादा। बर्फ तो ट्रांसपेरेंट होती है। हाँ, इसको मैं ट्रांसपेरेंट ही बोलूंगा। ये किसी चौथी चीज है मेरी। चौथी चीज है।
इतनी क्रंची चीज मैंने आज पूरे दिन में ही खाई। तो अगली चीज भाई साहब मुझे आज तक समझ नहीं आई ये होती क्या चीज। इसको कहते हैं टोनिक वाटर, कौड़ा सा ये पानी होता है, जीरो कैलरी इस पे लिखा हुआ है, लो कैलरी। बट इसको अगर टॉनिक वाटर नहीं भी बोलेंगे और दवाई वाटर बोल देंगे ना, वो भी इसको सूट करेगा क्योंकि दवाई जैसा टेस्ट होता है। एक चीज और बोल सकते हैं इसको, नजायज वाटर। नजायज वाटर क्योंकि इसका कोई सिर नहीं है, पैर नहीं है, ना इसमें फ्लेवर है कुछ, मतलब ये बेकार पानी है, 100 रुपए बर्बाद है, पर चैलेंज के लिए मेरे को 100 रुपए खर्चने पड़े। इतना गंदा, ये ना लोग बोलते हैं कि जिन के साथ पीते हैं, जिन वैसे ही इतनी ज्यादा कौड़ी होती है, ये डालने की जरूरत क्या है। इससे अच्छा तो मैं विनेगर ले लेता, सही बात आ रहा हूं। बताऊं कैसा टेस्ट है, जैसे गलती से मुंह में नींबू का बीज नहीं आ जाता, सारा स्वाद खराब हो जाता है। नींबू के बीज का रस है ये भाई साहब, वही है ये, वही इस पे लिखना चाहिए लेमन सीड रस। अगली चीज ऐसी है जिसका हम घर में तड़का लगाएंगे, मतलब वो महंगी है ना तो उसको यूज कर लेना घर पे, कोकोनट ऑयल। तो ये वर्जिन कोकोनट ऑयल आप पी सकते हो, वो पैराशूट वाला नहीं पी सकते, तो इसका आप तड़का भी लगा सकते हो घर पे, है ना। हाँ, सही बोल रहा हूं ना, कहीं मैं पी लूं बाद में बोले नहीं पी सकते। तड़के में फ्लेवर बहुत अच्छा आता है वैसे। आए हाय, मैं जिंदगी में पहली बार तेल कच्चा खाने लगा हूं, पी रहा हूं जो भी है। इतना कंफ्यूज है, पता लग रहा है पी रहा है या खा रहा है। ये पानी है, ये टॉनिक वाटर, ये ऑयल तड़के में बहुत अच्छा लग सकता है, किसी चीज में अच्छा लग सकता है, बट कच्चा तेल पीना इट्स वेरी डिफिकल्ट। आदि भाई ऑलमोस्ट 40 मिनट हो चुके हुए हैं और मुझे लगता नहीं है कि तेरे दिमाग में और कोई चीज है। यार मेरे दिमाग में नारियल पानी था, और नारियल पानी वाला भैया है ही नहीं कोई आसपास, मैं तो गलियों में भटकता ही रह गया हूँ। पर मैं पता क्या सोच रहा हूँ आदि, गिव अप कर दे, मतलब कि खुद गिव अप करके हारेगा तो बुरा नहीं लगेगा। कितना चलाक आदमी है, कितना चलाक आदमी है ये, मुझे मेरा मोरल डाउन कर रहा है, मोरल नहीं मोरल डाउन कर रहा है। मैं जीत के दिखाऊंगा तुमसे, चाहे मुझे प्लास्टिक खाना पड़े। मुझे नहीं पता जीतेगा नहीं जीतेगा, पर मैंने लिटरली सोचा था कि ये 4 से ऊपर चीजें भी निकाल पाएगा ट्रांसपेरेंट में, मतलब फिर भाई इसने एक भी नहीं है, सारी पी है, मतलब 6 चीजें ना, मतलब सीरियसली गुड जॉब। नारियल तो मिल गया, अरे भैया कहाँ है नारियल, भैया ये कहाँ पे है, नारियल तो मिल गया भैया, नहीं नारियल वाले भाई साहब 45 मिनट हो चुके हैं आदित्य, तू हार जाएगा मैं बता रही हूं। तो एक बड़ा खुराफाती आइडिया आया मेरे को, और वो आइडिया भाई साहब गजब का। तो मुक्ति देख रही है मेरा दिमाग, अंडा बाहर से वाइट हो सकता है बट अंदर से हमेशा ट्रांसपेरेंट होगा, चाहे अंडा ब्राउन हो चाहे ब्लैक हो चाहे वाइट हो। 50 मिनट होने वाले आदित्य, और मैं इसका येलो पार्ट नहीं डालूंगा। इसका इतना दिमाग काम कर सकता है ना, मैंने सच्ची नहीं सोचा ये। पानी मिलेगा आदित्य, तेरे पास बहुत ज्यादा कम है, 5 मिनट भी नहीं बचे, 5 मिनट। यार मैं क्या करूँ, मेरी गलती नहीं है, कलर की गलती है कि कलर नहीं है उस कलर में। यार मैंने अंडा तक खा लिया, उसके बाद भी अगर मैं 8वीं चीज हुई है ये, और जिसको भरोसा नहीं है कि ट्रांसपेरेंट है कि नहीं, मैं बताता हूँ रुको, स्ट्रॉ में देखो। हाँ पता है, सबने नारियल पानी पिया, आदित्य टेंशन लेनी, तू अपनी अगली चीज कर भाई साहब। 2 मिनट रह गए और आदित्य आ चुका है ग्रोसरी स्टोर से भाई साहब। अरे भाई 8 चीजें हो गई थी ना मेरी, ये सोडा, डाइट सोडा। ओहो भाई, कुछ खाने वाली चीज भी कर दे बेशरम, कही के सब पी जा रहा है। अरे वो थोड़ी ना बात, 9 ट्रांसपेरेंट, ये देखो ये देखो, ये देखो डायमंड है, बहुत सारे क्रिस्टल एक साथ जुड़ गए हैं। तो इवेंचुअली ये चीज फाइनल हुई है कि आदित्य और ओंकार दोनों हारे हैं। बात ये है कि मुक्ति गौतम जीत चुकी है, ये पहली बार ऐसा चैलेंज हुआ है जिसमें पोजीशन जो है ना सिर्फ एक ही है, फर्स्ट की, और उसके बाद सच्ची बताऊं मैं अपने दिल में विनर हूं, क्योंकि जब मैंने ट्रांसपेरेंट चीजों के बारे में सोचा था ना, मेरे दिमाग में 3-4 चीजें आई, उसके बाद मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया, बट जो मैं खेल रहा हूँ ना भाई साहब, गजब ढा दिया। खेलना तो बहुत ज्यादा बढ़िया है, पर मुझे एक चीज, खाया गया तुम्हें
मिश्री मिश्री एक वो भी एड पे मुंह मीठा किया इसने। जो पनिशमेंट है वो ये है कि लूजर ने विनर को देने थे 40,000 रुपीज, बट अब इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। 20,000 रुपया आदित्य देगा, 20,000 रुपया मैं दूंगा और 40,000 की हकदार होगी मुकुड़की। हम दोनों की लग चुकी है कुड़की और मुक्ति की हो गई ऐश। बहुत ज्यादा ही है। एक चीज बहुत अच्छी हुई है, अगर ये हारता तो तुझे अकेले को 40,000 देने पड़ते। अगर ये हारता तो इसको 40,000 देने पड़ते। अब तुम दोनों कॉन्ट्री कर रहे हो। मेरे दिमाग और मेहनत की कीमत 20,000 रुपए थी, मुझे पता ही नहीं था। अब तो मुझे पता लगा इतनी मेहनत की क्या कीमत होती है। एक बार ATM पे चलते हैं, पैसे निकलवाते हैं और इसको देते हैं पैसे। और आपको एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सा काम करना है, वो करना है इस वीडियो को लाइक। इस वीडियो पे यार अगर 2,00,000 लाइक्स अगर 2,00,000 लाइक्स आ जाए तो बहुत ही मजा आएगा ना अगली वीडियो में, कि आप बोलोगे मजा मजा ही आ गया। बाबल की दुआ मेरी तरफ से मानत था। मुक्ति मालदार होती हुई, क्या बात है, बढ़िया बेटा, जीते रहो, खुश रहो। महारानी आप जीत गई हैं, आपको हमने अपने पैसे दे दिए हैं, अब हम नंगे हो चुके हैं, पूरे नंगे ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। अब तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे बोरिया बिस्तर जिन जिनको हमारे साथ दुख हो रहा है वो वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट कर दे। धन्यवाद, बाय बाय।